अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टेट्स ऑफ मैटर की रिवीजन है, और हम जो है वो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम सबसे पहले जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर में जब आते हैं तो हम बात करते हैं, हम स्टेट्स ऑफ मैटर में जो है वो हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, और वो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, इसमें जो पी होता है दैट इज प्रेशर, इसमें जो वी होता है वो वॉल्यूम है, इसमें जो एन होता है वो नंबर ऑफ मोल्स है, इसमें जो आर होता है मोलर गैस कांस्टेंट होता है, और इसमें जो टी होता है वो टेम्परेचर होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मोलर गैस कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल है। ठीक है, अच्छा जी, और मोलर गैस की जो कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू जो है वो 8.31 आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि यार देखो आपके पास पी वी इक्वल टू एन आर टी है, तो इसके जरा यूनिट्स देखो। पी प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है वो पैस्कल में होता है, पैस्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम मीटर क्यूब है, एन जो होगा वो मोलर नंबर ऑफ मोल्स हैं तो वो मोल्स में होंगे, और आर जो होगा वो जूल पर कैलविन मोल है, और टेम्परेचर जो है वो कैलविन में होगा, तो इसको आप साइज कहें तो न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू जूल। तो ये इसकी जो है वो एक एक्सप्रेशन आपके पास इस किस्म की भी आ जाती है। आगे बात करें हम थोड़ी सी और, तो केल्विन जो होता है इट इज जितना डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 ऐड करें तो आपके पास केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, और आपने जो है वो इस इक्वेशन में केल्विन में ही टेम्परेचर लेना है, प्रेशर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है या पैस्कल इसको हम कहते हैं, और 1 ATM जो होता है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 101 किलो पैस्कल। ठीक है, ये थोड़ी सी जरा बेसिक सी एक डेरिवेशंस थी कि आप इस किस्म की जो है वो बात कर रहे होंगे अपने। अच्छा जी, अब अगर हम आगे आए तो हम ऑफ कोर्स, अब जब हम जहाँ भी कहीं वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो हम थोड़ी सी कन्वर्जन भी देखते हैं, तो कन्वर्जन को अगर मैं कहूँ कि यार देखते हैं जरा, तो आप देखें कि 10 dm इज 1 m, 100 cm इज 1 m, और 10 cm इज 1 d, और 1000 dm³ जो है इट इज 1 m³, और 1 m³ 100 cm, तो 1 2 3 4 5 6 cm³, 1000 cm³ इज 1 dm³। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी जो है वो आती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि देखें आपके पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था। ठीक है, एन की फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखें तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब एस यू नो कि जो एन है वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू पी वी ओवर आर टी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, एम आर की फॉर्म में लिखेंगे अगर तो एम आर टी अपॉन पी वी। ठीक है, तो ये भी जो है वो आप अक्सर औकात ये वाली इक्वेशन भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि एम आर इज इक्वल्स टू एम आर टी ओवर पी वी। ठीक है, ये आप सिचुएशन के लिहाज से करेंगे, एक इक्वेशन आपके पास ये वाली आ गई पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और दूसरी जो है वो कौन सी आ गई एम आर इज इक्वल टू एम आर टी ओवर पी वी। अच्छा जी, इसके अलावा हम अगर बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल गैसेस की बात करते हैं ना, हम करते थे तो हम ये कहते थे कि यार देखो आपके पास जब इक्वेशन है ना एक पी वी इज इक्वल टू एन, असल में पी वी इक्वल टू एन आर टी की बार बार मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये चैप्टर जो होता है ये इसी इक्वेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है।
पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। आप ये कहते हो कि यार देखो आपके पास एन भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, तो पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं हो जाता? कांस्टेंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट यहाँ पे आपके पास आर हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो कि आपके पास जो है वो थोड़े से ग्राफ्स बनाते हैं छोटे छोटे, अच्छा ये देखो आपके पास यहाँ पे पी वी है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे भी पी वी है, यहाँ पे वी है, और यहाँ पे आपके पास वी है, और यहाँ पे आपके पास पी है, ठीक है। तो आप ये देखो कि पी वी और वी का ग्राफ जो है वो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। पी वी और वी का ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह होगा, ये इस तरह की लाइन होगी, और वी और पी का भी जो ग्राफ होगा उसकी लाइन कुछ इस तरह होगी, ठीक है। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि आपके पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था, पी को आपने कांस्टेंट ले लिया, एन और आर भी कांस्टेंट हो गया, तो वी ओवर टी इज इक्वल टू एन आर अपॉन टी, सारे कांस्टेंट्स एक तरफ कर दिए और नॉन कांस्टेंट्स एक तरफ कर दिए, वी ओवर टी इज इक्वल टू के, तो v इज इक्वल्स टू के टी, सारे कॉन्स्टेंट्स हमने एक साइड पे कर दिए, ठीक है, और नॉन अनकॉन्स्टेंट एक साइड पे कर दिए। ये जो तीन ग्राफ हमने बनाए, दिस गिव्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ पढ़ा था ना फिजिक्स में जी, सो दिस गिव्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। और अगर हम इसी तरह बात करें आगे कि थोड़े से और ग्राफ से ग्राम बनाए, अब चार ग्राफ्स हैं, चार ग्राफ्स किस चीज के, वी टी के, वी टी के, टी पी के, और पी टी के। अब ग्राफ कैसे होंगे, इसकी स्ट्रेट लाइन होगी फ्रॉम द ओरिजिन, इसकी भी स्ट्रेट लाइन होगी फ्रॉम द ओरिजिन, इसकी भी स्ट्रेट लाइन होगी फ्रॉम द ओरिजिन, और इसकी भी स्ट्रेट लाइन होगी फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये थोड़ा सा वो शायद थोड़ा सा ओरिजिन से आपको हट के नजर आ रहे हो, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन होगी, ड्राइंग में थोड़ा सा मसला हो रहा है। इसमें आप क्या कहते हो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, वी कॉन्स्टेंट है, एन और आर, तो पी ओवर टी इज इक्वल टू के टी नहीं आ जाएगा? उसी तरह जैसे आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट एक जगह कर दिए, यहां पर भी कॉन्स्टेंट एक जगह कर दो, तो आपके पास पी इक्वल्स टू के टी की एक एक्सप्रेशन जो है वो बन जाए, पी इक्वल्स टू सी के करते हैं और फिर पी इक्वल्स टू के टी करते हैं, ठीक है, ये बन जाएगी आपके पास। अब हम आगे आते हैं ना, जब इसी चैप्टर में बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए काइनेटिक थ्योरी जो है इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, और आइडियल गैस वो होती है, आई रिपीट व्हाट आई सेड, काइनेटिक थ्योरी इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस, और जो आइडियल गैस होती है इट इज द वन व्हिच ओबेज जनरल गैस इक्वेशंस, और जनरल गैस इक्वेशंस कौन सी होती हैं, आइडियल गैस इक्वेशंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, मॉलिक्यूल्स हैव मास बट नेग्लिजिबल साइज, intermolecular distances are much greater than molecular size and most of the volume of gas is empty and the molecules have negligible volume. I'll write it down. My definition is getting this now. It explains the behavior of ideal gas. And what we said that ideal gas kya hoti hai? Is the one
विच ओबेज जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, अब हम बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम ये कहते हैं कि यार देखो, आपके पास जब V था, V आप कम कर दो, P V भी आप कम कर दो, ठीक है, और V अगर आप बढ़ा दो तो P V जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं। अच्छा ठीक है, कोई इसमें मसला। इसका आप ग्राफ एक बना के अगर हम देखें तो ग्राफ से हमें क्या समझ, यहाँ पे आपके पास है पी वी, यहाँ पे आपके पास है पी, हमारे पास जो है वो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फिर सी स्ट्रेट लाइन को थिक कर दें ताकि पता चले कि ग्राफ बन जाए, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और एक और लाइन है हमारे पास जो कि इस तरह है, इस तरह है। ठीक है, अब इस ग्राफ हमें क्या बताता है कि देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसमें एट लो प्रेशर, प्रेशर जब कम हो जाएगा, गैसेस बिहेव आइडियली। और ये जो ग्राफ है ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का ग्राफ है कि कैसे जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है हम जो नई चीज देखते हैं इसी चैप्टर में वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब टॉप चैप्टर का नाम अगर स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर हम डिस्कस निकाले तो बड़ी जी सुभान अल्लाह। ठीक है, इस चैप्टर का नाम स्टेट्स ऑफ मैटर है, हम स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस नहीं कर रहे, तो वही बताओ क्या कह रहे हैं, तो बताए। तो हमने पढ़ा था ओ लेवल में, क्लास सिक्स से पढ़े हैं कि तीन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स में हमने पढ़ा था कि यार सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन, कैन नॉट बी कंप्रेस, डू नॉट फ्लो, एक ही पॉइंट्स। ठीक है, लिक्विड में दे हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो सॉरी दे हैव नो फिक्स्ड शेप, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग बट लेस स्ट्रॉन्ग देन सॉलिड्स, दे कैन स्लाइटली कंप्रेसिबल, पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट। गैसेस में क्या था कि ना उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, ना फिक्स शेप होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के दरमियान होती है वो भी बिल्कुल कम होती है, पार्टिकल जो होती है दे आर इन रैंडम मोशन एंड पार्टिकल्स आर फार अपार्ट सो दे आर इजिली कंप्रेसिबल। ये हमने पढ़ा। ठीक है, अब इसके बारे में मैं जो हूँ वो यहाँ पे टाइम जाया नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ आगे वेपर प्रेशर की। अच्छा बच्चा, ये वेपर प्रेशर क्या होता है, कोई बता सकता है? हम ये लिखते हैं कि दी प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स, ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर।
ठीक है। ओके ये वेपर प्रेशर की जो है वो आपने डेफिनेशन लिखी है ठीक है ना, और ये जो है बड़ी थिक फॉन्ट में लिखी गई है जिसको थोड़ा छोटा करने का वक्त है। इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लिक्विड्स में, लिक्विड्स की अगर बात है तो लिक्विड्स विच हैव वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव हायर वेपर प्रेशर ठीक है। और जब वेपर प्रेशर जो होता है इट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो लिक्विड होता है इट स्टार्ट बॉइलिंग। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और बायर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो जो है वो लिक्विड जो होता है वो बॉइल करना शुरू करता है। और वो लिक्विड्स जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है दे बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर, वो जल्दी बॉयल कर देती है। और वोलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं दे हैव हाई वेपर प्रेशर ठीक हो गया। तो ये वेपर प्रेशर की बात थी। अगला अगला टॉपिक क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले जाइंट आयोनिक सॉलिड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है। नंबर सेकेंड नंबर पर जाइंट मेटेलिक सॉलिड्स हैं, तीसरे नंबर पे जाइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं। चौथे नंबर पे सिंपल, अरे सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और लास्टली पांचवे नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है। आप परेशान हो रहे होंगे कि यार ये क्या चीजें हैं। जाइंट आयोनिक सॉलिड्स में अगर देखें तो बच्चा जी, जाइंट आयोनिक सॉलिड्स में आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या हो गया यार आज राइटिंग ही ठीक नहीं हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड NaCl फॉर एग्जांपल, NaCl जो है वो शामिल होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज अब मैं लिखने बैठ जाऊंगी यार रात हो गई। एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज की, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है ठीक है, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी कभी कंडक्ट नहीं करेगी। MgO जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज यूज इन सिरेमिक्स व्हिच आर यूज एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल फॉर लाइनिंग ऑफ सर्फेसेस ठीक है। और तो NaCl का आपको सपोज दैट इज सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। एंड मेटेलिक सॉलिड्स की एग्जाम्पल देखें तो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, और इसमें जो है वो इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी कंडक्ट करती हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी कंडक्ट करते हैं इसी वजह से जो है वो इनको वायर्स और एलॉयज बनाने में इनसे काम लिया जाता है। जायंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में देखें तो आपके पास तीन मेजर आते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड। डायमंड और सिलिकॉन ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का जो है वो बेसिकली सेम है। डायमंड की बात करें तो इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैन ऑफ दैट काइंड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग। ग्रेफाइट जो होती है इट इज सो सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बिकॉज इट हैज डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, इट इज यूज एज इलेक्ट्रोड्स एंड एज लुब्रिकेंट। सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है इट इज हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूज फॉर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग एंड सिरेमिक्स। सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो इसमें आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस तीन आते हैं आपके पास। और आयोडीन की बात करें अगर तो देखें कि ये तीनों जो है आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, दे आर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर नॉन कंडक्टर। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में सबसे मेजर चीज जो है वो आपके पास आइस आती है, और आइस की क्या उसकी बताएं, आइस जो होती है इट हैज लो डेंसिटी ठीक है। लास्ट चीज जो आती है यहाँ पे वो है सिरेमिक्स। हमने देख तो लिया कि यार मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है वो सिरेमिक बनाने में काम आती है, तो अब हम ये भी देख रहे हैं कि यार सिरेमिक्स होते क्या है, क्या ख्याल ठीक है ना ये बेटा जी। सिरेमिक्स जो होते हैं ना, इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस टू अ हाई टेम्परेचर।
ठीक है, तो उससे सिरेमिक्स बनती है। और जो सिरेमिक्स होती है, दे आर ऑफन मेड बाय हीटिंग क्ले विच कंटेन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और सैंड विच कंटेन्स SiO2 विद अदर मटेरियल्स। सिरेमिक्स जो होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट स्लैश बॉइलिंग पॉइंट, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जिसकी वजह से बर्तनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसके अलावा हार्ड होते हैं, दे रिटेन देयर स्ट्रेंथ, जल्दी टूटते नहीं है, मजबूत होते हैं थोड़े से स्ट्रेंथ, और केमिकली अन इनर्ट होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये मेक देम सूटेबल फॉर हैंडलिंग फूड, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि आपके घर में अक्सर बर्तन होते हैं सिरेमिक के, वो इसीलिए होते हैं कि दीज आर इट्स प्रॉपर्टीज विच मेक देम मेक्स इट सूटेबल इन यूज। सिरेमिक्स में सब्सटेंसेस जो होती हैं, जैसे अब अगर सिरेमिक्स जो हैं उनमें मैग्नीशियम ऑक्साइड इस्तेमाल हुआ है, उन सिरेमिक्स में जिनमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, फायर रेजिस्टेंट वॉल बोर्ड बनाए जाते हैं उसके मैग्नीशियम ऑक्साइड के, रिफ्रैक्टरी मटीरियल होता है फर्नेस लाइनिंग, ठीक है। उन सिरेमिक्स के अंदर जहाँ जिनमें आपके पास आते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, वो भी एस मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, रिफ्रैक्टरी इन फर्नेस लाइनिंग, ट्रांसपेरेंट स्कैंडियम विंडोज फॉर फर्नेसेस और मिलिट्री व्हीकल्स के इस्तेमाल, एब्रेसिव फॉर ग्राइंडिंग, ठीक है, हार्ड मटेरियल। SiO2 जिनके अंदर होगा, जिन सिरेमिक के अंदर सिलिकॉन ऑक्साइड है, वो रिफ्रैक्टरी इन फर्नेस लाइनिंग इस्तेमाल होगी, एब्रेसिव है और मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास की जो है वो इस्तेमाल में काम आएंगे, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडेज AS की जो रिवीजन गाइड की हमने स्टार्ट की है, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप अगर प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।